नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। आईएमडी की पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार के साथ पिछले कुछ वर्षों में चक्रवातों के दौरान मौत के कारणों में बदलाव आया है, जिसका असर रहा है कि लैंडफॉल के बाद किसी की मौत नहीं हुई। होगी चर्चा न्यूज नाइट में विशेषज्ञों से कि भारत ने कैसे कम किया चक्रवात से होने वाले नुकसान को। वहीं प्रधानमंत्री के अमेरिका और मिस्र के दौरे में क्या रहेगा खास बताएंगे हम। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर आखिर क्यों भड़क गई कांग्रेस, क्या है बीजेपी का पलटवार। साथ ही बताएंगे G20 की बैठक में क्या रहा, होगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। न्यूज नाइट में शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। गुजरात में कमजोर पड़ा बिपरजॉय लैंडफॉल के बाद कई जगहों पर हुए नुकसान के बाद तमाम एजेंसियों की मदद से स्थिति को किया जा रहा है सामान्य। कई इलाकों में हो रही है बारिश, अगले 24 घंटे में भी सौराष्ट्र और कच्छ समेत कई इलाकों में हो सकती है मध्यम से भारी बारिश। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार कर रहे हैं हालात की निगरानी। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही तमाम एजेंसियों की सक्रियता से बेहद कम रहा असर। अब राजस्थान में सक्रिय हो रहा है बिपरजॉय, जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की चेतावनी, कई जगहों पर अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर किया प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। कांग्रेस ने किया विरोध, जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस का रवैया विडंबनापूर्ण, उसका एकमात्र योगदान पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत को मिटाना है ताकि सिर्फ एक परिवार की विरासत बची रहे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जारी हिंसा पर गरमाई सियासत, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में हिंसा प्रभावित भांगर का किया दौरा, कहा अपराधियों पर संविधान और कानून के तहत होगी कार्रवाई। हिंसा को लेकर बीजेपी आक्रामक, बताया लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उठाए सवाल। पीएम मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की करेंगे यात्रा। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का करेंगे नेतृत्व। राष्ट्रपति बाइडेन देंगे पीएम को राजकीय रात्रि भोज, अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 24-25 जून को करेंगे मिस्र का दौरा। हैदराबाद में चल रही G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने दिया वीडियो संदेश, वैश्विक खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई पर विचार विमर्श करने की अपील, किसानों को नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाने की बताई जरूरत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, प्रवासी मजदूर दीपू टारगेट किलिंग केस में जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। वहीं कुपवाड़ा में मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचे HS प्रणय, जापान के कुदाई नाराओका को दी मात। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में। और सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की। बिपरजॉय से संभावित नुकसान को कम करने में केंद्र और राज्य सरकार की तैयारी का असर दिखा। गुरुवार शाम बिपरजॉय का लैंडफॉल हुआ था। तेज हवाओं और बारिश की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरे, लेकिन तेजी से इन रास्तों को साफ करने का काम भी किया गया। फान चला गया लेकिन निशान छोड़ गया।
गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान विपरजॉय भले ही कमजोर पड़ गया, लेकिन गुरुवार शाम को लैंडफॉल के बाद जगह जगह तूफान के प्रकोप के निशान दिखाई दिए। तेज हवाओं और बारिश की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं हुई। जामनगर में कालाबाड़ धोराजी राजमार्ग पर कई जगहों पर पेड़ उखड़ कर गिरे हुए दिखाई दिए। साइक्लोन विपरजॉय से जो तबाही आई है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेट हाईवे है मांडवी से, कच्छ से मांडवी तक जाने का, और ये जो हाईवे है यहाँ पे बहुत जगहों पे हम जब आ रहे थे हम देख पा रहे थे कि बहुत ज्यादा जो पेड़ है वो गिर के पड़े हुए हैं, और पानी आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भी अंदर घुसा है यहाँ पे। यहाँ पे पीछे एक घर है जो एक तरह से नो मैन्स लैंड में है, क्योंकि आसपास चारों तरफ पानी ही पानी भर चुका है। और ये जो पानी है ये साइक्लोन की वजह से जिस तरीके से बरसात हुई है उसका नतीजा है। तूफान विपरजॉय फिलहाल कमजोर पड़ चुका है, लेकिन राज्य के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है। चक्रवात की तीव्रता कम हुई है, लेकिन अब भी बारिश का खतरा है। मौसम विभाग की माने तो इसके कारण कच्छ में भारी बारिश हो सकती है। द्वारका, जामनगर, मोरबी में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, तो पोरबंदर, राजकोट सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कल कच्छ, पाटन, महसाणा, बनासकांठा में अति भारी बारिश हो सकती है। 17 तारीख के लिए भारी से अति भारी बारिश रहेगा कच्छ में, पाटन में और महसाणा में, बनासकांठा में एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है। गुजरात सरकार ने भी कहा है कि तूफान से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी कच्छ, बनासकांठा, पाटन जिले में अलर्ट जारी किया गया है। सेंट्रल गुजरात के क्षेत्रों में अति भारी बारिश की संभावना है और हवा की गति भी तेज रहेगी। साइक्लोन का मेजर जो पार्ट है वो निकल चुका है, अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैवी रेनफॉल और थोड़ा बहुत विंड रहेगा वो अभी बनासकांठा, पाटन आदि जिलों में रहेगा, वहाँ थोड़ा भारी बारिश होने की संभावना है। इसलिए उन कलेक्टर्स के साथ हम लगातार संवाद में हैं। जो ह्यूमन डेथ है वो नो डेथ रिपोर्ट आई है अभी तक, और रेनफॉल अभी कच्छ में और देवभूमि द्वारका में जारी है। वहाँ पर कच्छ में तो तेज पवन, कभी वेलोसिटी भी, विंड वेलोसिटी भी ज़्यादा है, करीब 100 के आसपास है। देवभूमि द्वारका में भी करीब 60 प्लस विंड वेलोसिटी की रिपोर्ट आई है। तूफान के चलते द्वारका इलाके में भारी नुकसान हुआ है। भद्रकाली चौक इलाके के पास पानी भर गया है, वहीं कई जगहों पर बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए हैं। इस सब के बीच लोग जरूरी सामान खरीदने बाजार पहुंचे। दूध व अन्य जरूरी सामान के लिए दुकानों पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई देखी गई। भुज में मुंद्रा, मांडवी, नलिया, जखाऊ आदि जगहों पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। लोगों की मदद के लिए पुलिस की टीम हर जगह तैनात है। पुलिस पूरे जिले में तैनात की गई है, जिससे कहीं भी कुछ जरूरत हो तो वहां पर पुलिस आसानी से पहुंच सके। मुंद्रा, मांडवी, नलिया, जखऊ और ऊपर जो नारायण सरोवर वायोर एरिया है वहां पे हैवी विंड के साथ रेनफॉल हो रहा है। सभी जगह पे हमारी पुलिस की टीम्स तैनात है। हर एक शेल्टर होम पे हमारा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। इसके साथ साथ जो जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी हमारे पुलिस के जवान वायरलेस ऑपरेटर सेट्स के साथ अवेलेबल है। गुजरात के बाद तूफान राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में चक्रवात विपरजॉय के असर से तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर के मौसम विभाग ने बाड़मेर तथा जालौर जिलों में तेज हवाओं के साथ अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संबंधित जिलों को अलर्ट कर दिया है। राजस्थान सरकार के अनुरोध पर एनडीआरएफ ने एक टीम जालौर में पहुंचा दी है। इसके अलावा कर्नाटक में 4, महाराष्ट्र में भी 4 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात के सिवा दीव में हमारी टीम है। डाउन साउथ की बात करें तो मुंबई में 5 टीमें हैं और टीमें अलर्ट पे हैं। कर्नाटका में 4 टीमें हैं। तो जहां जहां इसका एक प्रभाव या जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट से हमको रिक्वेस्ट आया था वहां हमने अपनी टीमें तैनात कर रखी हैं। अभी एफर्ट ये रहेगा एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का, बाकी तमाम एजेंसीज जो वहाँ काम कर रही हैं कि सिचुएशन को नॉर्मल जितना जल्दी हो पाए ले आएं, और जो रेनफॉल की प्रेडिक्शन है उसके कारण कोई फ्लडिंग होगी अगर उसमें से लोगों को हम रेस्क्यू करके और कोई नुकसान ना होने दें। हालात को देखते हुए राजस्थान के कई जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तपस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। अब विपरजॉय से पहले प्रशासन और आपदा एजेंसियों की सतर्कता और सक्रियता ने जानमाल के नुकसान को काफी कम किया। बाधित सड़कों को फौरन बहाल किया गया। लैंडफॉल के बाद किसी भी जान का नुकसान की सूचना नहीं है। आईएमडी की पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार और प्रशासन के एहतियाती उपायों ने आपदा प्रबंधन में भारत की तैयारी को एक बार फिर परखा है। प्रशासन की मुस्तैदी और एहतियाती उपायों की वजह से गुजरात में चक्रवात विपरजॉय से
जानमाल के बड़े नुकसान को सफलतापूर्वक रोका गया है। तूफान की वजह से जहां कहीं भी बिजली के खंभे और पेड़ गिरे, राहत कर्मियों ने उन्हें तुरंत वहां से हटाया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तूफान के प्रभाव की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। चक्रवात से किसी की भी जान न जाए, इसके लिए गुजरात सरकार और केंद्रीय राहत बलों ने पहले से ही जबरदस्त इंतजाम किए थे। इन्हीं का नतीजा था कि तूफान के लैंडफॉल के बाद राज्य में किसी भी जानी नुकसान की सूचना नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग ने घायलों के उपचार के लिए चाक चौबंद व्यवस्था पहले से की हुई थी। सरकार की प्रोएक्टिव कामगिरी के कारण आज सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रकार के कैजुअलिटीज की खबर नहीं है। कुछ लोग जख्मी जरूर हुए हैं, उनका इलाज सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल सरकार द्वारा कराया जा रहा है। 54,000 हमने शेल्टर रूम में उनको रक्षण दिया था, आश्रय दिया था। PGVCL की सभी टीमें यहाँ पर कार्यरत है, लग भी गई है और पूरी तरह से कच्छ के अंदर पुनः इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। जीरो कैजुअलिटी हुई है और पशुओं में भी केवल 71 पशु अभी तक मारे गए। प्रशासन ने चक्रवात और उसके असर से होने वाली भारी बारिश से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। मलबा हटाने के लिए NDRF, SDRF, पुलिस और अन्य राहत बलों ने तेजी से कार्रवाई की। प्रशासन ने लोगों से अभी मौसम को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। कुछ मार्गों पर तूफान की वजह से बाधित यातायात को बहाल करने के लिए प्रशासन ने तुरंत अभियान छेड़ा और सड़कों को बहाल कर दिया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में करीब 239 पेड़ गिर गए थे और इसके कारण टेम्पररीली रोड ब्लॉक हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टीम बना के सब जगह से विद इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वो जो पेड़ गिर गए थे रास्ते पे सब हटा लिए हैं। तो अभी की स्थिति से पेड़ गिरने से कोई रास्ता ब्लॉक हुआ नहीं है। ऑल 239 ट्रीज वेयर रिमूव इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। सर्वे अभी चल रहा है, एग्जैक्ट आंकड़े सर्वे के बाद भी आएंगे। पर PGVCL के पोल्स, ट्रांसफार्मर्स वगैरह को मेजर नुकसान हुआ है एंड जो वृक्ष हैं वो काफ़ी मात्रा में धराशायी हुए हैं। सदनसीबे कोई जानहानि वगैरह नहीं है, अभी तक हमारे पास कोई विगत नहीं आई है। तो हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी रिस्टोर करें। चक्रवात से प्रभावित सामान्य जीवन को बहाल करने के लिए NDRF के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की जा रही है। तूफान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने से लेकर मलबा हटाने तक हर मोर्चे पर NDRF के कर्मियों ने बढ़ चढ़कर राहत अभियान में हिस्सा लिया। मैं इस वक्त नारायण सरोवर जो समुन्द्र के पास है और यहाँ पे ठीक पीछे कोटेश्वर मंदिर है, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं जो समुन्द्र का पानी है, समुन्द्र उफान पे है और यहाँ पे NDRF की टीम लगातार काम कर रही है। लेकिन इस वक्त भी समुन्द्र के किनारे आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग वेव है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, लेकिन उसके बीच NDRF की टीम लगातार काम कर रही है। कल रात से ये लोग काम कर रहे हैं। NDRF का कहना है कि लैंडफॉल के बाद कोई जनहानि नहीं हुई। इतनी तैयारी का असर ये रहा कि लैंडफॉल के बाद में कोई जनहानि नहीं हुई है। कुछ 24 पशुओं की जानें हमने जरूर खोई हैं और 23 लोग घायल हुए हैं, लेकिन कोई लॉस ऑफ लाइफ लैंडफॉल के बाद नहीं हुआ है। गुजरात में तूफान से प्रभावित बिजली आपूर्ति और पेड़ों के गिरने से प्रभावित यातायात को बहाल करना राहत बलों की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी एजेंसियां मिलकर तेजी से काम कर रही हैं और सामान्य जनजीवन तेजी से पटरी पर लौट रहा है। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आज का हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है। जिस तरह से बिपरजॉय जैसे प्रचंड चक्रवाती तूफान के गुजरने के बाद भी जानमाल के नुकसान में जो कमी रही, उसी पर आधारित विशेष है बिपरजॉय, तैयारी से कम हुआ नुकसान। तापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता भुज से, साथ ही हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़ रहे हैं सेकंड इन कमांड ऑपरेशंस NDRF, और हमारे साथ प्रोफेसर संतोष कुमार जी जुड़ रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से। आप तीनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तापस, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। आपको देखते हुए लगता है कि हवा की जो रफ्तार है वो अभी भी बहुत ज्यादा तेज है। तापस, किस तरह से कल के लैंडफॉल के बाद गुजरने के बाद इस समय क्या हालात हैं, क्या स्थिति, क्या अपडेट?
सबसे पहले तो हाँ आपको ये बताना जरूर चाहूंगा, मैं इस वक्त भुज में हूँ और पूरा कच्छ का जो इलाका है, मैं जहाँ से लैंडफॉल हुआ था वहां से जो पूरा जो सफर तय करके भुज तक आया हूँ, सब जगह पे हमने रास्तों में देखा है कि पेड़ कट के गिरे थे, पोल्स गिरे पड़े थे और हम बहुत जगह पे पानी जो है वो उफान पे था, भर गया था इनफैक्ट। तो वहां पे एनडीआरएफ की हमने चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो देखी, जहां जहां पे हम जाते वहां पे हम देख रहे थे कि वो लोग पेड़ों को काट काट के जो रास्ता है उसको क्लियर कर रहे थे। और जहां तक अभी तक हमारे पास जो खबर थी कि अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है, और यही सबसे पहला जो पहला मिशन जो लेके स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो लेके चले थे कि जीरो कैजुअलिटी एक मोड था, इनका मिशन था, तो उस पे जो पहला जो है उस पे वो लोग एकदम से खड़े उतरे हैं। जो अभी तक हमें बताया जा रहा है कि करीब 3000 से ज्यादा पेड़ वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और करीब 80,000 से ज्यादा शायद पोल्स जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो टूट के गिरे हैं, तो उनको क्लियर भी किया जा रहा है। तो एक जो दिक्कत सबसे ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत सी जगहों पे जो है वहां पे नहीं है। इनफैक्ट मैं भुज में हूँ, भुज में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और ये एक बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। और जो हमें बताया जा रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर से बहाल करे, तो ये इनके लिए सबसे बड़ा जो अगला चैलेंज है वो ये रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहाल करे, नॉर्मल जो दिनचर्या है उसको वापस पटरी पे लेके आए। लेकिन सच में दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, और हवा अभी भी देख सकते हैं आप, हवा अभी भी तेज है, लेकिन वो जो समय सुबह की तरफ जो हवा का जो प्रचंड वेग था वो कुछ ऐसा था कि शायद खड़ा होना भी मुश्किल था। और वहां पे हमने देखा कि एनडीआरएफ के जवान किस बहादुरी के साथ, किस जज्बे के साथ खड़े थे, लोगों को बचा रहे थे। और सच में दाद देनी पड़ेगी क्योंकि कुछ ऐसी जगह थी खासतौर से जो कोस्टल एरिया था वहां पे जाने की मनाही थी, फिर उसके उसके अलावा लोग वहां पे खड़े थे और लोग वहां जो एनडीआरएफ के लोग उनको हटा रहे थे और पूरी मतलब वहां पे उस समय खड़ा होना भी अपने आप में बहुत एक असमंजस की चीज थी। और जहां पे दूसरी जगह पे बात करें जिस तरीके से पेड़ गिर रहे थे वो भी एक रिस्की फैक्टर होता है कि इतना इस वेग से पेड़ गिर रहे हैं उसके बाद भी अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पे लोग जो एनडीआरएफ के जवान है वो उनको क्लियर कर रहे। तो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो उनका एक कॉम्बिनेशन था वो सच में काबिले तारीफ है। जी राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे क्योंकि आप ऑपरेशंस को देखते हैं एनडीआरएफ में, इस समय चक्रवात गुजर चुका है और राजस्थान में है, लेकिन गुजरात में जिस तरह की संभावित नुकसान की आशंका थी उसमें कितना नुकसान हुआ है, कितना हम रोक पाए अपनी तैयारियों से, और अब जो नुकसान सामने दिखाई दे रहा है जिसमें कि 4000 से ज्यादा गांव में बिजली आपूर्ति पर एक असर पड़ा है, तो इस तरह की तमाम चीजें चाहे वो सड़कें हों, 200 से ज्यादा सड़कों पे असर पड़ा था, तो इनमें कितने समय लगेगा और इसको बेहतर होने में? जैसा कि आपने कहा तैयारी पूरी थी, सबसे सटीक होता है पूर्वानुमान, उसके हिसाब से तैयारी होती है तो नुकसान कम होता है, वैसा ही हुआ। 6 जून को एक फास्ट डेवलपिंग साइक्लोन था, आईएमडी की सटीक जानकारी के अनुसार सभी एजेंसियों को पता था ये साइक्लोन अरब सागर में डेवलप हो चुका है। हमारी तैयारी पूर्ण थी, हाईएस्ट लेवल पे एनईसी ने इसका जायजा लिया, एनसीएमसी की मीटिंग हुई, कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसका जायजा ले लिया, देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू किया, ऑनरेबल सीएम गुजरात उन्होंने रिव्यू किया, हमारी हेडक्वार्टर लेवल पे तैयारी थी, सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर तैयारी थी। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा जितनी तैयारी थी और जितने नुकसान का अंदेशा था, हमारी तैयारियों की वजह से नुकसान काफ़ी कम हुआ है। और जो भी नुकसान हुआ है, चूँकि हवाएं इतनी तेज थी, 120 से लेके 150 तक की स्पीड, प्रति किलोमीटर घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही थी, नुकसान तो लाजमी है, बट तैयारियों से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है उसे अपनी लाइन पर लाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी एजेंसियां लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है, जैसा आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, हमारी टीमें अभी भी ग्राउंड पे काम कर रही हैं और रेस्टोरेशन का काम बखूबी चल रहा है। जी हमारे साथ प्रोफेसर संतोष भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आप लोग जो अपनी ट्रेनिंग एनडीआरआईएम की जो करते हैं लगातार, उसमें कितना सफल आप मानते हैं, क्योंकि
ये त्रासदियां आती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन ये त्रासदियां वो अवसर भी हमें देती हैं कि जो तैयारियां हैं भारत की आपदा प्रबंधन को लेकर उनको परखा भी जा सके। तो आप अपनी पूरी तैयारियों को आज कहां देखते हैं, अगर समुदाय के बीच ट्रेनिंग की बात हो और इस तरह की आपदाओं से नुकसान कम करने की बात हो? जी, ये पूरी जो अभी प्रक्रिया चली और अभी आगे चलने वाली है वहाँ गुजरात से राजस्थान की ओर, तो मूल रूप से ये देखा जाए अगर 99 साइक्लोन उड़ीसा का हुआ और उसके तत्पश्चात 2001 में गुजरात का भूकंप हुआ, कक्ष अर्थक्वेक जिसको कहते हैं, और उसके पश्चात कांडला का एक और साइक्लोन हुआ गुजरात में, उसके पश्चात एक आपदा प्रबंधन की एक नई सोच विकसित हुई हमारे देश में, और उस नई सोच के साथ एक पहले से तैयारी करने की व्यवस्था कायम हुई। पहले हमारा सारा रिस्पॉन्स बेस्ड था, रिलीफ बेस्ड था, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इसमें ये बात आई कि तैयारी अगर हम पहले से करते हैं तो नुकसान उसका कम होता है। और यही चीज अभी वर्तमान में इसमें देखने को मिला है कि जैसे ही हमें ये पता लगा कि एक लो प्रेशर बना है और उसके बाद जो ट्रेकिंग हुई और उस ट्रेकिंग से लैंडफॉल मिला, कहां साइक्लोन ने अपने रास्ते को बदला और उस रास्ते में ये देखा गया कि हम उसको लगातार ट्रैक पा रहे हैं। ये पॉसिबल तभी हुआ जब हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, हमारे R&D को बढ़ाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया, हमारे मौसम विभाग ने इसमें लगातार काम किया, और उस मौसम विभाग के साथ जो हमारे राज्यों की तैयारी होती है वो अभूतपूर्व रही। इस तरह से क्या हुआ कि हमारा पूरा एक कॉम्बिनेशन बना कि स्थानीय स्तर पे लोगों की क्षमता का विकास हुआ, उनको प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही साथ हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तैयारी अपनी हुई, और उसके साथ साथ, और ये केवल एडहॉक ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये पूरी एक रणनीति बनी हमारे देश में कि किस तरह से हम आपदाओं का नुकसान कम कर सकते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी बात आई कि पूर्व तैयारी में ही सबसे समझदारी है, और उसके साथ ही हमारे पॉलिसी भी बने, हमारे एक्ट भी बने, और गुजरात से ही ये सारी चीजें उस समय इमर्ज हुई 2001 के बाद, जिससे हमें राष्ट्रीय स्तर पे भी लेजिस्लेशन आया हमारा 2005 और 6 में। तो जो पूरी तैयारी, उसके बाद गठन हुआ हमारा जो विमोचन दल है, हमारा राष्ट्रीय आपदा विमोचन दल NDRF, और उसी तरह से SDRF और स्थानीय स्तर पे, ये एक मजबूत परिस्थिति में और मजबूत शक्ति के साथ क्षमता विकास हुआ, और इस बड़े सुनियोजित तरीके से। हाँ। और इसी तरह से राज्यों के अन्य राज्यों में भी, जैसे उड़ीसा का भी आपने देखा एक एग्जांपल है, और वहां भी डेथ कम हुए, बिल्कुल एकदम नहीं के बराबर हुए। जी। उसी तरीके से हमने यहाँ भी देखा कि अभी तक जो रिपोर्टिंग है उसमें कोई डेथ की सूचना नहीं है। तो ये बड़े विभिषिका में अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो हम ये कह सकते हैं कि तैयारी और जिस तरह से कोऑर्डिनेशन हुआ नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी के साथ, एक बहुत अच्छी स्थिति मान सकते हैं। और इससे हमें और भी कुछ सीखने को मौका मिला अन्य राज्यों को भी कि कैसे हम पूर्व तैयारी कर सकते हैं और जिसमें जान माल का नुकसान कम से कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक्ट ऑफ गॉड है और हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ सब कुछ कर सकते हैं, और हमारे पास एक बस एक विचार होना चाहिए और उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सब कुछ संभव है। जी प्रोफेसर साहब, 2005 के बाद जिस तरह से आपदा प्रबंधन को लेकर देश में काम हो रहा था, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या जमीन पर पिछले 9-10 सालों में जो एक बड़ा बदलाव हमने देखा, जिस तरह से जो वित्तीय आवंटन होता था उसमें जो एक बड़ा परिवर्तन देखा गया, उसने कितना मदद किया आपको अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए? क्योंकि अगर हम आंकड़ों में हम देखें तो 2014-15 से 22-23 तक के 9 सालों की तुलना करें तो SDRF को जहां पहले 35,000 करोड़ का आवंटन होता था वो करीब 3 गुना बढ़ाकर 1,04,000 करोड़ रुपए हुआ। इसी की तरह से NDRF में भी 25,000 करोड़ रुपए थे जिसे 3 गुना वृद्धि के साथ 77,000 करोड़ रुपए किया गया। इसका सीधा सीधा असर आपकी ट्रेनिंग पे शायद पड़ता होगा, जिस तरह की ट्रेनिंग आप लोग देते हैं, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इन आपदाओं के बाद के जोखिम को कम करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे आप देखें एक ऐतिहासिक कदम था हमारे देश में जब 15वीं जो 15th फाइनेंस कमीशन ने इस पे बड़े विचार किए, बहुत गहन लिए हुआ, और सारी एजेंसीज को संपर्क किया, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान हमारी संस्थान हुए, NDRF हुए हमारे, उसी तरह से NDMA हुए, साझा रूप से ये चर्चा हुई, सभी राज्यों के साथ चर्चा हुई, और इसमें पहली बार एलोकेशन हुआ कि हमें आपदा प्रबंधन के लिए केवल रिलीफ के धनराशि के आवंटन करने से कुछ नहीं होगा,
हमें इसकी पूर्व की तैयारी के लिए धन का आवंटन करना होगा। और वर्तमान में देखें जहां हम लोगों ने शुरू किया था 500 करोड़ से, अभी 1,65,000 करोड़ का आवंटन हुआ है जो हमारे पूरी तैयारी के लिए, और उसमें केवल प्रशिक्षण मात्र के लिए अगर आप देखा जाए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तो 6,000 करोड़ का एलोकेशन है हमारे वित्तीय इसमें। तो टोटल अगर आप देखें जो एनडीआरएफ के पास, एनआईडीएम के साथ और राज्यों के साथ एक नया आयाम शुरू हुआ हमारे देश में, खास करके धन के आवंटन के संदर्भ में। डिजास्टर मिटिगेशन फंड हमारे 2000 एक्ट के जो 5 में एक्ट बनी उसमें हमारा प्रावधान था कि हमें मिटिगेशन फंड होना चाहिए जिसमें आपदा के पहले आपदा के जोखिम को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन वो कभी ऐसा हुआ नहीं। ये लोकेशन अभी वर्तमान में जो 15वीं जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसको तवज्जो देते हुए एलोकेशन और राज्यों को हर तरीके से, जैसे ड्राउट प्रोन स्टेट्स हैं उनकी तैयारी के लिए भी एलोकेट किया, जहां पे टोटल इरोजन हो रहे हैं वहां के लिए एलोकेशन हुआ, जहां पे क्षमता का विकास होना है उसके लिए एलोकेशन हुआ। तो एक इसको कह सकते हैं बड़ा ऐतिहासिक कदम है जहां आवंटन का संदर्भ। प्रोफेसर साहब राकेश जी से भी जानना चाहेंगे, राकेश जी 9 सालों में अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, प्रिवेंशन हो, मिटिगेशन हो या फिर पूर्व तैयारी आधारित जो आपदा प्रबंधन है उसका जो एक तरह से इंटीग्रेशन जो हुआ है उसका भी एक बड़ा असर क्या आप देखते हैं कि आज से 20-25 साल पहले भारत ये सोच सके कि इस तरह की बड़ी आपदाएं, बड़े चक्रवाती तूफान आए और जान का कोई नुकसान ना हो? देख सकते हैं, और मैं बिल्कुल तुलना करना चाहूंगा 1999 सुपर साइक्लोन जैसा, प्रोफेसर संतोष सर ने अभी कहा और अभी का, इसकी भी स्पीड कम नहीं थी। ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के रूप में इसने सौराष्ट्र और कच्छ तट को पार किया है और ये थर्ड हाईएस्ट कैटेगरी है। इसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के बाद सुपर साइक्लोन ही होता है, तो इसकी भी स्पीड कम नहीं थी और आज कोई भी जान माल की क्षति नहीं हुई है। तो ये प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन एंड ट्रेनिंग एंड प्री प्लानिंग का बहुत अच्छा नमूना है जिसको कि आज भारतवर्ष ने दुनिया के सामने पेश किया है। और जैसा अभी आप बात कर रहे थे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फंड की, उसने जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की है इस पे 15 फाइनेंस कमीशन ने, सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है जिससे फोर्सेस को ही नहीं, रिस्पॉन्स फोर्सेस को ही नहीं, सरकारों, स्थानीय सरकारों को भी कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी लोकल लेवल पे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी सहायता मिली है इस फंड के जरिए। जी राकेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पहले तूफान ही मौत का एक प्रमुख कारण माना जाता था लेकिन अब ज्यादातर मौतें घर के गिरने से, पेड़ के गिरने से देखी जाती रही हैं। पीछे अगर हम इतिहास में बहुत दूर ना भी जाएं तो भी अगर पिछले 10 साल के तमाम इस तरह की आपदाओं की अगर हम बात करें, लेकिन समय के साथ जहां एक तरफ पूर्वानुमान में एक बड़ी एक तरह से बदलाव देखा गया है, उसी के साथ साथ हमने इन घटनाओं से निपटने की प्रक्रिया में भी शायद एक बदलाव आया है। तो उस बदलाव को हम चाहेंगे कि आप एक बार बताएं कि किस तरह के वो बदलाव आए जिसने जान के नुकसान पर एक तरह से पूरी तरह से काबू करने की कोशिश की इन आपदाओं में। देखिए, साइक्लोन से निपटने का सबसे बड़ा, हम उसके जोन में ही ना आए, जो उसका जोन है उसके जोन में ही ना आए, इसलिए सबसे पहले इवैक्यूएशन पे काफी जोर दिया गया है। साथ ही जो स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने होते हैं साइक्लोन के आने से पहले, स्ट्रक्चरल मेजर्स पे काफी ध्यान दिया गया है, लाइक साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए हैं जो कि सुपर साइक्लोन की तीव्रता को भी झेलने में सक्षम होते हैं। तो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स दोनों पर ध्यान दिया गया है। आईएमडी ने जो सफलता हासिल की है पूर्वानुमान में उसी का नमूना है कि आज से 10 दिन पहले से हमें पता था ये साइक्लोन जाएगा, इसका पाथ क्या होगा, हमें क्या तैयारी करनी है। तो पूर्वानुमान, तकनीक और हमारी तैयारी जी, सभी का ये बेहतर नमूना है। जी बिल्कुल, तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, बेहतर पूर्वानुमान के लिए चेतावनी केंद्रों का स्थापित करना और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय स्थापित किया गया है उसका एक बड़ा उदाहरण हम कह सकते हैं बिपरजॉय दिखाई दे रहा है, एक बेहतर सामंजस्य, एक बेहतर आपदा प्रबंधन भारत में बनती दिखाई दे रही है।
बिल्कुल एक क्लासिक केस हो सकता है विपर्जय, अगर किस तरीके से आपदा प्रबंधन से निपटा जाए, किस तरीके से आपदा से जो एक एसओपी बन सकती है, ये शायद एक क्लासिक एग्जांपल हो सकता है। एक्सट्रीम सीवियर कैटेगरी में था ये साइक्लोन, और उसके बाद से जिस तरीके से इसकी ट्रैकिंग हुई, जिस तरीके से उसके लिए एडवाइजरीज आईएमडी ने लगातार जारी की है, और उसके बाद जो सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो एक समन्वय देखने को मिला वो सच में काबिले तारीफ है। और सिर्फ जान माल का खतरा नहीं था, बहुत सारी और भी चीज़ें थी इसके साथ साथ, और हमने खुद देखा कि जब टॉप ऑफ द आपके गवर्नमेंट के टॉप जो है प्रधानमंत्री खुद फ़ोन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं और सिर्फ मीटिंग करते हैं, तो एक तरह से सबको पता है कि ये बहुत सीरियस मामला है और उसको एकदम उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए। तो ये एक चीज़ सामने आई है, जैसे अगर हर हमें पता है हर साइक्लोन के बाद या हर एक आपदा के बाद एक रिव्यू होता है, तो शायद ये रिव्यू में ये एक क्लासिक एसओपी के तरह से इसको यूज किया जा सकता है। बहुत सी चीजें इंप्रूव की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से 1,00,000 से ज्यादा लोगों को मूव करवाया गया, एक शेल्टर होम पे लेके आया गया, और जानवरों के लिए भी, मतलब आप सोचिए इससे पहले मुझे नहीं पता किसी और, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 1,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, साथ ही साथ जानवरों को ज्यादा से ज्यादा क्षति ना हो इस पर भी संवेदनशीलता केंद्र और राज्य सरकारों की दिखाई दी और उस तरफ काम भी किया गया जिसका असर दिखाई दिया। बीते कई वर्षों में भारत ने चक्रवातों के लिए 3 स्तरीय प्रक्रिया तंत्र पर काम किया है जिसका एक तरह से असर विपर्जॉय के चक्रवात के गुजरने के बाद गुजरात में दिखाई दे रहा है। हालांकि अब ये राजस्थान की तरफ बढ़ा है, कुछ खतरे राजस्थान की तरफ भी हैं। हम समझते हैं कि जो तैयारियां हैं वो राजस्थान में भी काम आएंगे और उसका एक असर दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। योगा इन द एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज संस्कृत मींस टू कंजॉइन, कंजॉइनिंग आवर बॉडी विद द माइंड and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. Ayush Mantralay, Bharat Sarkar dwara janhit mein jari. It's finally here. Very good, sir. ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथा। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ DD न्यूज पर। दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार, करे योग रहे निरोग, बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी
बीमारी और तनाव भी छुमन तरह जाए। योग और ध्यान है समाधान, करे योग। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका के आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी। इसके बाद पीएम मोदी 22 तारीख को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के नियोते पर पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां पीएम 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी भी इस समारोह में भाग लेंगे। साबा कोरोसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र में होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्साहित हूं। साबा कोरोसी के ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। आपकी सहभागिता कार्यक्रम को और भी विशिष्ट बनाती है। योग विश्व को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एकजुट करता है। यह विश्व स्तर पर लोकप्रिय होता जा रहा है। न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी Washington DC की यात्रा करेंगे। 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी अहम मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स श्यूमर सहित कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। 23 जून को पीएम मोदी के लिए संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लंच रखा है। इस दौरान प्रधानमंत्री का प्रमुख CEO, पेशेवरों और अन्य लोगों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों में कई समझौते होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर रखने में भारत की भूमिका अहम है। मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी सबसे अहम है। हम भारत के साथ कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर रखने में भारत की अहम भूमिका है। मिलर ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पीएम मोदी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अमेरिका दौरे पर फोकस कर रहे हैं। वो कई मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी का सबसे अहम कार्यक्रम अमेरिकी कांग्रेस में उनके संबोधन को माना जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के सांसद काफी उत्साहित हैं। The relationship between the United States and India is strategic and global. It's a partnership guided by strong political will on both sides. It's built on the shared values of democracy, freedom, and respect for the rule of law. This partnership is crucial for fostering peace, prosperity, and stability around the globe, especially in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi, welcome to the United States of America. Ohio has a strong Indian-American community. Indian Americans serve our nation honorably in the military. They're part of the fabric of our state. In my home in Cleveland, we're the only city in the world with a statue of Gandhi on a street named for Martin Luther King Jr. How cool is that? The United States and India have an important strategic partnership and a special bond, shaped by our mutual commitment to global peace and prosperity. As Prime Minister Modi said in his 2016 visit to D.C., our relationship is primed for a momentous future. It is critical that we strengthen the Indo-American partnership as we work together to advance our mutual interests
and our shared commitment to democracy. अमेरिका दौरे के बाद पीएम मोदी 24-25 जून 2023 तक मिस्र की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा का दौरा करेंगे। ये यात्रा मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के न्योते पर हो रही है। ये प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति सीसी से वार्ता के साथ साथ मिस्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं, मिस्र की प्रमुख हस्तियों और भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। भारत की ताकत दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है और इसकी वानगी एक बार फिर दिखेगी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका और मिस्र के इस दौरे में। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए और अपने बस्ती में हो, गली में हो, हर घर की आंगन में आप योग अभ्यास में जुड़ जाइए। योग सारे दुनिया को जोड़ते हैं, सारे भेदभाव को मिटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित किया है कि ये दुनिया को जोड़ सकते हैं और ये भी साबित किया है कि योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है, योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जारी हिंसा पर सियासत गर्मा गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में हिंसा प्रभावित भांगर का दौरा किया और कहा कि अपराधियों पर संविधान और कानून के तहत कार्रवाई होगी। उधर बीजेपी हिंसा को लेकर आक्रामक है, उसने इसे लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय बताया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान लगातार हुई हिंसा की घटनाओं के बाद राज्य की सियासत गर्माई हुई है। चुनाव तो दूर की बात है, नामांकन के दौर में ही हिंसा ने चुनाव आयोग के माथे पर बल ला दिया है। गुरुवार को समाप्त हुए नामांकन के दौरान कई जगहों पर हिंसा से हालात बेकाबू होते नजर आए और लगातार विभिन्न इलाकों में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में हिंसा प्रभावित भांगर का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों और स्थानीय लोगों से बात की। राज्यपाल ने कहा कि दौरे के बाद हिंसा को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और अपराधियों पर संविधान और कानून के तहत कार्रवाई होगी। I can assure the people of Bengal, violence will be the first victim in this election. Violence should die a silent death. Violence will be encountered by silence in the sense those perpetrators of violence will be silenced
in a permanent way under the constitution, under the law of the land. उधर बीजेपी भी इस मामले में पूरी तरह से आक्रामक है। पार्टी ने हिंसा पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जहां पहले रविंद्र संगीत सुना जाता था, वहां आज बम के धमाके और हिंसा का तांडव हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। भद्रलोक का के विमर्श के लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है और उससे अधिक दुखद है वहां के सरकार की असंवेदनशीलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के हिंसक और प्राणघातक हमले हो रहे हैं, 25 से 30 ऐसी घटनाओं की तो हम लोगों के पास सूची है जिसमें गंभीर रूप से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी ने राज्य के निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत से ही अंतिम आस है। चिंता का विषय यह है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा इन सारी घटनाओं के प्रति एक निहायत ही असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना, जिसकी वजह से न्यायालय जाना पड़ा और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद स्थितियों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, यह देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में एक बहुत काला अध्याय है। इस बीच राज्य में बमों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। नामांकन के दौरान हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस को भांगर में जिंदा बम मिले हैं। वहीं बीरभूम जिले में भी टीएमसी के पार्टी कार्यालय के पीछे के मकान से सीआईडी को 20 बम बरामद हुए हैं, जिन्हें डिफ्यूज कर दिया गया है। राज्य में हिंसा की घटनाओं के बाद गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए आदेश दिए। पीठ ने कहा कि 48 घंटे के भीतर राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा। बीजेपी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे राज्य में लोकतंत्र को बचाने में मदद मिलेगी। जो जजमेंट आया है, जजमेंट में बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी रिस्टोर होगा और गांव का सरकार, पंचायत, गांव का आदमी डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से ये चुनाव कराएगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होंगे। एक ही बार में मतदान पूरा कराया जाएगा और वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने का फैसला किया है। अब इसका नया नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी होगा। नाम बदले जाने के फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस के एक परिवार के आगे न देखने के रवैये पर हमला किया है। नीरज शेखर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे पिता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने सदैव राष्ट्रीय हित के लिए काम किया। उन्होंने कांग्रेस के लिए भी काम किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी एक परिवार से आगे नहीं देखा। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के प्रधानमंत्रियों को सम्मानित किया तो कांग्रेस उत्तेजित हो रही है, जो खतरनाक रवैया है। उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम संग्रहालय को लेकर किए गए ट्वीट पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अपने एक ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा कि राजनीतिक अपच का उत्कृष्ट उदाहरण एक साधारण तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थता की एक वंश से परे ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने हमारे देश की सेवा और निर्माण किया है। पीएम संग्रहालय राजनीति से परे एक प्रयास है और कांग्रेस के पास इसे साकार करने के लिए दृष्टि का अभाव है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए आगे कहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का दृष्टिकोण विडंबनापूर्ण है, क्योंकि उनकी पार्टी का एकमात्र योगदान पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत को मिटाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल एक परिवार की विरासत बची रहे। ट्वीट की इस श्रृंखला में जेपी नड्डा ने आगे ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम संग्रहालय में हर पीएम को सम्मान मिला है, पंडित नेहरू से संबंधित भाग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके विपरीत
इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई ही गई है। एक ऐसी पार्टी जिसने भारत पे 50 से अधिक वर्षों तक शासन किया, उनकी तुच्छता वास्तव में दुखद है। यही कारण भी है कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। It's finally here. Very good, sir. ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत की अध्यक्षता में G20 से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को G20 कृषि कार्य समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधित किया। पीएम मोदी ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने श्री अन्न को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। भारत की अध्यक्षता में G20 से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आयोजित G20 कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की। साथ ही उन्होंने वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का भी आह्वान किया। पीएम ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी जिक्र किया। लेटेस्ट एम्ब्रेस श्री अन्न मिलेट्स as the food of our choice. As part of our own commitment, India is developing an Institute of Millets Research as a center of excellence for sharing best practices, research and technology in millets. Friends, I urge you to deliberate on how to undertake collective action to achieve global food security. We must find ways to build sustainable and inclusive food systems focused on marginal farmers. We must find ways to strengthen global fertilizer supply chains.
पीएम मोदी ने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में और खेल मंत्रालय ने भारतीय खिलाड़ियों की यात्रा और ठहरने के खर्च की अधिकतम सीमा 66% बढ़ा दी है। ये सुविधा राष्ट्रीय खेल संघों के लिए मंत्रालय की सहायता योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले एथलीट और अधिकारियों के लिए लागू होगी। अब खिलाड़ी और सहायक कर्मी विदेशों में अनुमोदित खेलों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन $250 खर्च कर सकेंगे। अब राष्ट्रीय खेल संघ अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों और सहायक कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटा सकेंगे। पहले हर दिन खर्च की अधिकतम सीमा $150 थी। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए विदेश यात्रा और ठहरने की अधिकतम राशि का निर्धारण नवंबर 2015 में किया गया था। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा तो दिखता ही है भाई, पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान, या मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. Sang sang chalo, badhte raho, yoga sabhi karte raho. Sang sang chalo, badhte raho, yoga sabhi karte raho. Yoga, yoga karne se smaran shakti badhti, sab aasani se yaad ho jata hai. Yoga hi jeevan ka ek aadhaar. योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शुक्रवार को एलओसी के पास वाले इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 विदेशी आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त ऑपरेशन में इन आतंकियों को मार गिराया। तलाशी के दौरान 5 राइफल, 15 मैगजीन, गोला बारूद, ग्रेनेड, नाइट विजन डिवाइस और दूरबीन जब्त की गयी। जम्मू कश्मीर पुलिस को प्रवासी मजदूर दीपू टारगेट किलिंग केस में 19 दिन बाद शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दक्षिण कश्मीर में उधमपुर के रहने वाले दीपक कुमार उर्फ दीपू की हत्या में शामिल जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कश्मीर फ्रीडम फाइटर ग्रुप के हैंडलर खालिद कामरान ने इन्हें भड़काकर हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस ने आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है।